ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसी मानसिक तनाव से त्रस्त होकर एक युवती ने मकान की छत से कूदकर जान देने का प्रयास किया। छत से छलांग लगाने पर युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई। इस मामले का एक और भी पहलू है, पेश है एक रिपोर्ट। मकान से कूदकर अपनी जान गंवाने वाली पूजा दुबे शहर के कॉलेज में BCA फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे चंद्रकांत निर्मलकर और पूजा एक दूसरे को पसंद करते थे, जिस पर दोनों ने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर ली। चंद्रकांत और पूजा ने तिफरा में एक मकान किराए पर लेकर अपनी एक दुनिया बसा ली, लेकिन माँ बाप की नाराजगी और वैवाहिक जीवन पर एकाएक कदम रखने से आए बदलाव के चलते पूजा खासी परेशान थी। 4 नवंबर से फरार चंद्रकांत और पूजा शहर के नजदीक सैदा गांव से ताल्लुक रखते थे, जिस वजह से लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा था। सोमवार की रात चंद्रकांत और पूजा सो रहे थे, तभी पूजा पानी पीने की बात कहकर छत पर गई और छलांग लगा दी। चंद्रकांत के अनुसार घटना की वजह पूजा के माँ बाप के द्वारा दबाव बनाया जाना था। हम लोग अच्छे से रहते थे, बस ये इसका डिप्रेशन सर, बस टेंशन नहीं था, लेकिन मम्मी पापा बोलते थे कि तू उम्मीद तोड़ दी, भरोसा तोड़ दी। एक लौती बेटी थी, ब्राह्मण समाज की बेटी थी, गौटिया समाज की, और जितना पढ़ाया लिखा उम्मीद तोड़ दी करके। फिर मैं बाथरूम से आ रही करके दौड़ते हुए बाथरूम गई, तो दौड़ते हुए कि खाली पैर, तो मेरे को थोड़ा डर लगा कि ऐसा क्या हो गया, एकदम दौड़ते जा रही, रो रो रही है क्या ऐसा करके। तो मैं रो रही करके मैं गया सर, और उसके पीछे पीछे मैं जैसे सेंट्रल बैंक गया ना, मेरे जाते तक वो सर वो कूद नीचे में। पूजा की मौत के मामले में अब आरोप प्रत्यारोप की झड़ी शुरू हो गई है। पूजा के पिता इस घटना के लिए चंद्रकांत निर्मलकर को दोषी करार दे रहे हैं, वही नायब तहसीलदार की देखरेख में जांच शुरू हो गई है। जो जबरन का कूद के उसमें नहीं किया, इस लड़के के ही कार्रवाई किया हुआ है। क्यों किया हुआ सर? क्यों किया हुआ? कुछ न कुछ तो कारण होगा, हमको तो नहीं, लेकिन शक हमको लड़के ऊपर है पूरा। मेरे को पूरे मामले में ये कहना है कि उसको पूर्णतः कार्रवाई और उसको दंड मिलना चाहिए लड़के को। ये पूजा दुबे नाम की महिला थी, हाल ही में इनका विवाह हुआ था, प्रेम विवाह हुआ था चंद्रकांत निर्मलकर के साथ। ये तिफरा की रहने वाली थी, ये किसी बिल्डिंग से कूद गई है, जांच चल रहा है, अभी इसका पंचनामा कार्यवाही की गई है, PM के बाद इसका वास्तविक कारण पता चलेगा क्या है कारण। पूजा की मौत ने दोनों परिवार को झकझोर कर रख दिया है। अपनी मर्जी से शादी करने वाली पूजा पर महज 22 दिन में आखिर कैसा दबाव बनाया गया कि उसे अपनी सांसें खुद रोकने का फैसला लेना पड़ा, यह सवाल पूजा अपने पीछे छोड़ गई है। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ आकाश दत्त मिश्रा, सेटी न्यूज बिलासपुर।